नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली बिग न्यूज है फ्रॉम इंडिया डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए कल ही चाइना ने पाकिस्तान को डिलीवर किया है उसका मोस्ट एडवांस फ्रिगेट पीएनएस तैमूर, और इसे लेकर पाकिस्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान की नेवी की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करेगा। देखिए पीएनएस तैमूर को कल ही शंघाई के हुडोंग झोंगुआ शिपयार्ड में कमीशन किया गया अकॉर्डिंग टू द स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स ऑफ चाइना। ये ऐसा दूसरा टाइप 054 फ्रिगेट है जिसे चाइना ने प्रोड्यूस किया है पाकिस्तान नेवी के लिए। आप लोगों को याद होगा कि इसी साल जनवरी में इस क्लास का पहला फ्रिगेट चाइना ने डिलीवर किया था पाकिस्तान को, जिसका नाम था पीएनएस तुगरिल। और फिलहाल ऐसे दो और फ्रिगेट बना रहा है चाइना पाकिस्तान के लिए, जिन्हें आने वाले टाइम में पाकिस्तान को डिलीवर किया जाएगा। देखिए इसे लेकर पाकिस्तान नेवी का कहना है कि तैमूर इज ए कॉम्पिटेंट एंड टेक्नोलॉजिकली पावरफुल मैरीटाइम एसेट, और इसमें लगे हैं एडवांस्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, हाईटेक वेपन्स एंड सेंसर्स टू फाइट इन मल्टी थ्रेट एनवायरमेंट। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा एडवांस फ्रिगेट पाकिस्तान नेवी को मिलेगा तो इससे नेवी की कैपेबिलिटी तो बढ़ेगी और खतरा बढ़ेगा इंडिया के लिए। आप देखिए ये कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ये पीएनएस तैमूर के कमीशन की पिक्चर्स हैं। इसमें पाकिस्तान की नेवी के ऑफिसर्स भी दिखाई दे रहे हैं प्लस चाइनीज ऑफिशियल्स भी, और इस सेरेमनी में ही पीएनएस तैमूर को कमीशन किया गया फॉर द पाकिस्तान बाय द चाइना। देखिए चाइनीज नेवी के ऑफिशियल्स का कहना है कि टाइप 054A जिस पर ये पाकिस्तान का नया फ्रिगेट 054AP, पी से मतलब यहाँ पर है पाकिस्तान, ये चाइना का मोस्ट एडवांस्ड फ्रिगेट है। देखिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ डील की है जिसके अंडर चाइना पाकिस्तान के लिए ऐसे चार फ्रिगेट बनाएगा। पहला पीएनएस तुगरिल ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, सेकंड पीएनएस तैमूर भी अब कमीशन हो चुका है पाकिस्तान नेवी में, और बाकी दो और फ्रिगेट ऐसे बनने अभी बाकी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। देखिए ये जो चाइना का टाइप 054A फ्रिगेट है, दिस इज ए क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, और इसे चाइना में जियांग काई 2 भी कहा जाता है। इससे पहले चाइना डेवलप कर रहा था ऐसे ही 054 फ्रिगेट, और ये जो 054A है ये पुराने वर्जन का एडवांस वर्जन है। अब देखिए आगे बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये जो पीएनएस तैमूर फ्रिगेट है इसकी जो कॉस्ट है वो है अराउंड 348 मिलियन US डॉलर्स, और अगर ऐसे चार फ्रिगेट की कॉस्ट को जोड़ा जाए तो ये पाकिस्तान को पड़ेंगे अराउंड 1.5 बिलियन US डॉलर्स में। अब सोचिए एक तरफ तो पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की काफी कमी है, ना पेट्रोल खरीदने के पैसे हैं और ना ही एसेंशियल आइटम्स। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भूख से मर रही है। पाकिस्तान कभी सऊदी अरब, कभी IMF, कभी चाइना से लोन मांग रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए और उनकी पेमेंट करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा है? अब देखिए इस टाइप का जो फ्रिगेट है वो चाइना में काफ़ी एडवांस माना जाता है, क्योंकि इसमें लगा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लेटेस्ट सरफेस सब सरफेस एंड एंटी एयर वेपन्स, और इसमें एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी है। और पाकिस्तान नेवी में इस फ्रिगेट के आ जाने से पाकिस्तान की जो नेवी है वो दोनों ही तरह के एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन मिशंस को परफॉर्म करने में कैपेबल होगी। पीएनएस तैमूर में एक HQ-16 मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी लगा है जिसकी रेंज है 50 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास, और इस मिसाइल सिस्टम को भी डेवलप किया है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। और देखिए ये मिसाइल 70 kg वॉरहेड तक ले जा सकती है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड है अराउंड 3.5 मैक। इस वॉरशिप में कुछ स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी हैं, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो काफी स्लीक है, और साथ ही इसमें लगा है रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, और इसके जो हल का डिजाइन है वो भी स्लोप्ड है, और इस वजह से ये इजीली रडार के पकड़ में नहीं आएगा। देखिए थोड़ा और इसके वेपन सिस्टम्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें लगी हैं दो टाइप 737 बैरल 30mm CIWS गन्स, 8 C803 एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, एक PJ-26 डुअल पर्पज नेवल गन, 6 324mm ASW टॉर्पीडो लॉन्चर्स, 2 टाइप 87-240mm एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, और साथ ही 2 टाइप 726-418 ट्यूब डेकॉय रॉकेट लॉन्चर्स। और देखिए चाइना के पुराने फ्रिगेट के कंपैरिजन में ये जो नया फ्रिगेट है पीएनएस तैमूर, इसकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो काफी बेटर है, क्योंकि इसमें लगा है इम्प्रूव्ड रडार सिस्टम एंड ए लार्जर अमाउंट ऑफ मिसाइल विद ए लॉन्गर रेंज। देखिए ये जो चाइना का 054A प्रोजेक्ट है जिस पर बेस्ड है पाकिस्तान का तैमूर, इसे चाइना ने लॉन्च किया था 2008 में, और चाइना के इस फ्रिगेट का पहला बायर है पाकिस्तान। हालांकि देखिए 2013 में चाइना ने इसी क्लास के फ्रिगेट को थाईलैंड को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली काफी नेगोशिएशंस के बाद थाईलैंड की नेवी ने चुना साउथ कोरियन डेस्ट्रॉयर्स को एज कम्पेयर टू चाइनाज फ्रिगेट। और देखिए इन फ्रिगेट्स के साथ साथ पाकिस्तान ने चाइना से एक और एग्रीमेंट किया था 2015 में, जिसके अंडर चाइना पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स बनाएगा। इनमें से 4 सबमरीन बनेगी चाइना में और 4 सबमरीन बनेगी पाकिस्तान में,
और ऐसी उम्मीद है कि 2022 से लेकर 2028 तक ये 800 सबमरीन्स पाकिस्तान को डिलीवर कर दी जाएंगी। और देखिए, चाइना ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन के अंडर रिसेंटली पाकिस्तान को 6 J-10C फाइटर जेट्स भी दिए हैं। और ये J-10C फाइटर जेट्स जो चाइना ने दिए पाकिस्तान को, रिसेंटली पाकिस्तान डे परेड में भी देखे गए थे। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, चाहे चाइनीज सबमरीन हो, फ्रिगेट हो या फाइटर जेट्स हो, सबसे बड़ा खरीदार इनका पाकिस्तान ही है। दुनिया में और जितनी भी कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री चाइनीज वेपन्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।